थकी आना, पैर की नसों का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना, रात को सोने के टाइम पे जिनको भी पैर में बहुत दर्द रहता है, पिंडलियाँ खिंचती है, रात को ऐठन आ जाना, नसों का ब्लॉकेज, सबको खोलने के लिए एक घर बैठे ही इलाज है। जो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। और ये बहुत ही कारगर, और हमारे सेंटर पे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, इसके लिए ये हम वीडियो सबको देना चाह रहे हैं कि ताकि सब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा घर बैठे मिल सके। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने पैर के अंगूठे पे ये इलाज आप पैरों के लिए, हाथ के लिए, शोल्डर पेन के लिए भी कर सकते हैं। फोन पकड़ते हैं या सब्जी कट करती हैं जो महिलाएं, उनके मुँह में जाना हो जाना, वो सब समस्याओं का इलाज सिर्फ छोटा सा, सिर्फ 5 मिनट, 24 घंटे में आपको सिर्फ 5 मिनट अपने शरीर को देना है। एक पैर के अंगूठे में आपको कस के एक गांठ लगाना है और जिगजैग करते हुए आपको अपने पैर की फिंगर को कवर करना है, ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेते हुए, ये 3 उंगल का हमें गैप रखते हुए इसको बांधना है। जिनको नी में गैप है, जिनको पैरालाइज हो गया है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, ऐठन आती है, सूजन आती है, स्वेलिंग रहती है, ये सब बीमारी के लिए आपको ये 3-3 उंगल का गैप रखते हुए पूरे पैर को कवर करना है। जिनके नी में गैप है, घुटने की समस्या है, उन लोगों के लिए भी बहुत तुरंत आराम, इस चीज़ से आपको तुरंत रिलीफ मिलने वाला है। जिनको नी में गैप है, उनका नी को ऊपर और नीचे बीच में नहीं लगाना है, इस चीज़ का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, इसको कवर करते हुए। अब आप इस धागे को पैर तक, यहाँ तक कवर करेंगे, नीचे पैर के अंगूठे से आपने पूरा पैर कवर कर लिया, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और इस क्रिया को 5 मिनट तक आपको ऐसे करना है। जिनको नी में गैप है, उनको बहुत पीछे नहीं लेके जाना है, ऊपर की तरफ ज़्यादा उठाने का कोशिश करना है। ये सेम क्रिया आपको सिर्फ 5 मिनट तक ऐसे करना है, ना 5 मिनट से ज़्यादा होना है, ना 5 मिनट से कम करना है, यही सेम